जोबट विधानसभा 192 जहां पर 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हैं। कांग्रेस से उम्मीदवारी नहीं मिलने से श्री सुमेर सिंह अजनार चुनावी मैदान में हैं। वहीं श्री माधव सिंह जावर जो पूर्व बीजेपी से पूर्व विधायक रहे एवं मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष, उन्होंने बीजेपी से टिकट ना मिलने पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में फॉर्म जमा किया है। कल नामांकन वापसी का आखिरी दिन कई बड़े पदाधिकारियों के मनाने के बाद भी अपने फैसले पर कायम रहे और चुनावी रण में डटे रहे। निर्दलीय उम्मीदवार से हमारे संवाददाता श्री नितिन साह की एक मुलाकात। दादा, 2 दिन का आपका अज्ञातवास जो था उसका भी समय समाप्त हुआ, मान मनोवर का दौर भी समाप्त हो चुका है और अब जोबट विधानसभा के लिए पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आप इस रण में खड़े हुए हो, क्या रणनीति आपकी इस जोबट विधानसभा को लेकर रहेगी? देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि 2 दिन का अज्ञातवास, तो मेरा कोई अज्ञातवास नहीं था। फॉर्म भरने के बाद मैं अपने इष्ट देवताओं के मंदिर में दर्शन मात्र के लिए गया था, उसे आप अज्ञातवास कह रहे हैं, ये उचित नहीं है। और मैं अपने इष्ट देवता के दर्शन करने के लिए गया था और फॉर्म जांच होने के बाद मैं अपने घर वापस लौटा। दादा, इस जोबट विधानसभा में जहाँ पर कांग्रेस से एक सुमेर सिंह अजनार जिन्होंने भी निर्दलीय फार्म भरा है और बीजेपी के समक्ष भी आपने निर्दलीय रूप में एक उम्मीदवारी जताई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है दादा? मैं बीजेपी का सदस्य हूँ और मैंने स्वयं ने टिकट की मांग की थी, परंतु टिकट मुझे नहीं दिया और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसको जनता नहीं चाहती है। सारे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे सरपंचगण, हमारे जनपद के सदस्य सभी ने आके मुझे कहा कि दादा, आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना है और उसी आधार पर उनकी मान और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने उनके आग्रह पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय किया। और विधिवत मेरा फॉर्म जांच होने के बाद मुझे नारियल के पेड़ का चुनाव चिन्ह मिला है और अब हमारे सरपंच और हमारे कार्यकर्ता के बल पर फील्ड में जाएंगे और जीत हासिल करेंगे और जीतने के लिए हम उतरे हैं फील्ड में। दादा, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ बीजेपी पार्टी है, दोनों सशक्त उम्मीदवारी जता रहे हैं, लेकिन आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक नामांकन भरा है, आपकी क्या रणनीति इस विधानसभा को लेकर रहेगी? देखिए, कांग्रेस का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी उसके साथ है, बीजेपी के उम्मीदवार के साथ बीजेपी की पार्टी है, लेकिन मेरे साथ हमारे सरपंच और हमारी जनता की भावना है और उसी भावना के आधार पर। दादा, ये जो 3 दिसंबर को चुनाव का नतीजा अपने समक्ष आएगा, क्या उम्मीदवारी, क्या उसके प्रति आप क्या दिखा रहे हो दादा? बिल्कुल, हर आदमी चुनाव जीतने के लिए लड़ता है और मैंने भी हमारे सरपंच के बल पर चुनाव जीतने के लिए लड़ूंगा और परिणाम सार्थक और विजय श्री हासिल करूंगा, इसी आशा विश्वास के साथ।